हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी। सर, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं, कभी भी ऐलान हो सकता है, बस कुछ दिनों का इंतजार है। किस तरीके से तैयारियां देख रहे हैं और खासकर हम हरियाणा को लेकर के बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी से लगी हुई है, परंतु हम टीम इंडिया का पार्ट हैं, वो भी ईमानदारी से हमारी कोशिश चल रही है कि एक गठबंधन हो और बढ़िया तरीके से। कुछ आवेदन भी आपकी तरफ से, वैसे जो लोग चाहते हैं, इच्छा लड़ना, चुनाव लड़ना, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, 10 लोकसभा को लेकर फिलहाल अपनी तरफ से जिस तरीके से कांग्रेस ने भी मंगवाया, आम आदमी पार्टी तरफ से? आम आदमी पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं ने आवेदन दिए हैं, जो तकरीबन 10 की 10 लोकसभा सीटों से आवेदन आए हैं, परंतु उन सब पे चर्चा गठबंधन फाइनल होने के बाद ही होगी। यहाँ हम अकेले लड़ेंगे या गठबंधन से लड़ेंगे, गठबंधन की चर्चा आज टेलीविजनों के माध्यम से सुनने को भी मिल रही है, पार्टी हाईकमांड की मीटिंग भी चल रही है, तो जो भी निर्णय आएगा वो फाइनली सबके सामने आएगा। लेकिन आप अपनी तरफ से तैयारियां, लोगों ने इच्छा जता चुके हैं आपके कार्यकर्ता, तो ऐसे कितने लोग होंगे, कोई एक आंकड़ा? नहीं, आंकड़ा देना तो मैं उचित नहीं समझता इस समय, क्योंकि मैं 10 के 10 लोकसभा में मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, लोगों से मिले थे, और सब जगह हर सीट पे कहीं 5 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 10 हैं, ऐसे आवेदन लोगों ने दिए। एक अंतिम प्रश्न है, जो बात आ रही है कांग्रेस केवल एक लोकसभा सीट हरियाणा में 10 लोकसभा सीट में से आम आदमी पार्टी को देने को लेकर के बात कर रही है कि केवल एक सीट तक ही बात बनेगी, आप लोगों ने क्या मांग रखी है और कितनी आप उम्मीदें कर रहे हैं ऐसे में? हालांकि तय बैठक में होगा, लेकिन एक अपेक्षा तय बैठक में होगा। मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया था कि हम मजबूत हैं, वहाँ 90 की 90 विधानसभा में मजबूत है, लोकसभा के अंदर भी मजबूत है, परंतु राष्ट्रहित के अंदर जो भी फैसला राष्ट्रीय गठबंधन करेगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, उस पर अगर एक सीट आती है तो उस पर भी आप लोग तैयार रहेंगे? ये आज मैं नहीं कह सकता, ये फैसला हाईकमांड का होगा, वो तैयार होंगे नहीं होंगे, ये फैसला हाईकमांड का। लेकिन आप लोग अभी फिलहाल तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक सीट की कही जा रही है, इसको लेकर आप अपनी बात तो रखेंगे, फिर भी पार्टी के आगे, कांग्रेस के आगे कुछ आपके बात रखेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि एक सीट कम है, फैसला अंतिम फैसला बहुत जल्द आपके सामने आएगा, जो फाइनल फैसला होगा। ये भी तो सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, इसका मैं समझता हूँ ज़्यादा मायने नहीं होता, मायने ये कि फाइनल जो होगा वो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। चलिए, तो अपनी तरफ से तमाम तैयारियां हैं 10 की 10 लोकसभा को लेकर के, 90 विधानसभा को लेकर के। हालांकि सीधे तौर से कहना है कि जो अंतिम फैसला है, क्योंकि इंडिया अलायंस गठबंधन के ये सहयोगी, और ऐसे में अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो उस पर निर्भर रहेगा। लेकिन एक बात जरूर कही कि अगर एक सीट मिलती है तो वो कम जरूर है, इसलिए इन्होंने कहा है कि अधिक सीटें मिले उसको लेकर के प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़।